आगामी जो 27 अगस्त का छात्र संघ इलेक्शन है, राजकीय महाविद्यालय अजमेर जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ हमने NSOI पदाधिकारियों और सारे जो प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे हैं उन सबकी आज मीटिंग ली और इसमें टिकट वितरण पर भी चर्चा की हमारे जिलाध्यक्ष नवीन सोनी जी ने और प्रदेश महासचिव इसमें मनोज भगत भी सम्मिलित हैं। सभी प्रत्याशियों यही कहा कि NSOI यहाँ एक होकर चुनाव लड़ेगी और हर बार की तरह यह मजबूती से चुनाव लड़ गए। चारों पैनलों पर NSOI विजय होगी और इस बार भी ABP चारों खाने चित होंगे। अध्यक्ष पद पर NSOI से जो दावेदारी कर रहे हैं वह है नरेश जाट, मोहित सैनी और आशीष भारद्वाज। उपाध्यक्ष पर हैं 4 प्रत्याशी और महासचिव पर 3 प्रत्याशी और सचिव पर हमारे 2 प्रत्याशी। सर पहले साल भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पे बहुत झगड़े हुए थे आपके NSOI संगठन में, अब किस बार? इस बार कुछ नहीं होगा, पूरे NSOI मजबूती से एक होकर चुनाव लड़ेगी। सारे पदाधिकारी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट एक ही वितरण होगा और NSOI विजयी परचम फहराएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। आपने अभी मीटिंग में कहा कि NSOI क्या विजय फहराएगी, आप दावेदार करते हो कि आप आपकी NSOI आएगी? बिल्कुल, चारों सीटों पर NSOI आएगी, अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव पर। आपका नाम? हनीश मारोटिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव NSOI। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में बास्केटबॉल ग्राउंड में NSOI की मीटिंग का आयोजन रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र संघ चुनाव को लेकर के, और इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि NSOI इस महाविद्यालय में परचम ले रहा है। इसलिए जो NSOI से दावेदारी पेश कर रहे हैं, जितने भी अध्यक्ष पे, उपाध्यक्ष पे, महासचिव पे, सचिव पे, सबके हम आज दस्तावेज मांगेंगे, उन दस्तावेजों की जांच भी करेंगे। और रविवार को NSOI की मेंबरशिप जयपुर में लॉन्च की गई अभिमन्यु पूनिया जी द्वारा, उसकी भी हम छात्रों को जानकारी देंगे। जो प्रत्याशी है उनको भी हम जिम्मेदार देंगे, जो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप करवाएगा उसी को टिकट में अहम उसका योगदान रहेगा। इसको लेकर के आज हमने मीटिंग का आयोजन रखा गया है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरा पैनल एक बना के NSOI इस बार मजबूती से महाविद्यालय में चुनाव लड़े ताकि NSOI की भारी मतों से यहाँ जीत दर्ज हो। पहले भी बहुत लफड़े हुए थे कि किसको अब्दुल फरहान को दिया जाए या उसको दिया, पहले भी इतनी हुई थी, अब की क्या रहेगा ऐसा कुछ नहीं? इस बार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं रहेगा और जो भी संगठन के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, संगठन के विरुद्ध कहीं भी गतिविधि में पाई जाता है उसको तुरंत ही निष्कासित किया जाएगा। एक बार में डिक्लेयर हो जाएगा इनका भी, इनको हाँ एक बार में डिक्लेयर किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। नवीन सोनी, अजमेर NSOI जिला।